चैन एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। और पिछले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट कवर किए थे और उसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे। और तो आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सो चैनल पर बने रहें, आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेड एंड बटर फील मी द मोस्ट। तो इसमें हम जानेंगे कि जो ये कॉम्बो वाले सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, कॉम्बो मीन्स सिंगुलर। अगर कॉम्बो का यूज़ हो तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ब्रेड एंड बटर दोनों कॉम्बो है, तो उसके साथ इज़ माय फेवरेट, राइस एंड करी इज़ गुड फॉर लंच। तो ये जितने भी कॉम्बो रहते हैं इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 17, एवरीथिंग वर्क फाइन व्हेन इट्स डन करेक्टली, नो एरर। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एवरीथिंग हमने पढ़ा था, एवरीथिंग, एनीवन, नो वन, ये सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब का उपयोग होता है। सो एवरीथिंग सिंगुलर है तो इसके साथ वर्क नहीं आएगा, वर्क्स आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। फोर्टीन किलोमीटर्स आर नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस रीच टू माई ऑफिस डेली, नो एरर। तो हमने पढ़ा था कि जो 14 जो डिस्टेंस होती है उनके आगे अगर कुछ लगा हो एडजेक्टिव तो वह सिंगुलर होती है। जैसे 14 किलोमीटर्स, तो यहाँ पर किलोमीटर्स एक डिस्टेंस है तो उसके साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी का एक एग्जांपल देखते हैं हम, 1 लाख रुपीस। तो जो 1 लाख रुपीस होते हैं वह सिंगुलर होते हैं, तो इज अ गुड अमाउंट टू अर्न। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, नो एरर। तो इसमें आ राइस मतलब एक राइस जो कि सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। सो हैव चेंज हैज, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। और इसी के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे द वेराइटी ऑफ एप्पल्स। तो जो एप्पल्स प्लूरल है बट एप्पल्स की बात नहीं हुई है, इसमें वेराइटी की बात हुई है, तो वेराइटी सिंगुलर है तो उसी के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। उसी के साथ द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोस इज़ गुड। तो जो इसमें मैंगोस की बात नहीं हुई है, क्वालिटी ऑफ मैंगोस की बात हुई है, तो क्वालिटी सिंगुलर है, इसके साथ इज़ का उपयोग होगा सिंगुलर वर्ब का। उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ राइस, तो इसमें राइस की बात नहीं हुई है, राइस की क्वांटिटी की बात हुई है, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। तो क्वांटिटी एक सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है तो उसी के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। उसी के बाद द राइस एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस या फिर नो एरर। तो हमने पढ़ा था कि जो कॉम्बो सब्जेक्ट होते हैं जैसे राइस एंड कड़ी, बटर एंड ब्रेड, उसी प्रकार राइस एंड फॉल भी है, द
तो हमने पढ़ा था कॉम्बो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, तो राइज एंड फॉल के साथ आर का उपयोग नहीं करेंगे, आर चेंज टू इज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट, सी और डी है नो एरर। तो इसमें हम देखेंगे ईच ऑफ, तो ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हमें सिंगुलर ही वर्ब का उपयोग करते हैं, तो सब्सटेंस चेंज टू सब्सटेंसेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एंग्री बिकॉज दे डिड नॉट पास, नो एरर। सो सम ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग होगा, सो स्टूडेंट्स के साथ वॉज चेंज टू वर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल सिविक्स इज एंड्रियास फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर नो एरर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये सब्जेक्ट के नेम होते हैं जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सभी देखने में प्लूरल होते हैं पर इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, सो मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं आएगा, आर चेंज टू इस। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज वाइफ ग्रीट द प्रेस कॉर्डियली, या फिर नो एरर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये टुगेदर विथ अलोंग विथ होते हैं, इनके साथ हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर हैं तो उनके साथ हम ग्रीट्स का उपयोग करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। मैनी अ मैन हैव ट्राइज सच स्टूपिड थिंग्स बिफोर अस वेल, नो एरर। तो इसमें हम एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, तो ये तीन होते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स। तो जो ये मैनी अ स्टूडेंट होता है, तो इसमें स्टूडेंट के पहले आ लगा होता है, तो ये सिंगुलर होता है और बाकी के सब प्लूरल होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। मैनी अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट, तो इसके साथ हैज लगेगा, बाकी मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, अ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26, सी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट पोइटेस राइट्स अबाउट द ट्राइबल पीपल, या फिर नो एरर। तो इसमें आता है वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द, और इन सभी के साथ हमें प्लूरल का उपयोग करना रहता है, तो वन ऑफ द नोबलेस्ट पोइटेस, तो पोइटेस के अकॉर्डिंग ही हमें राइट का उपयोग करना है, जो कि इसमें गलत है, राइट्स हैं, तो राइट्स चेंज टू राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय देयर टीचर हैज़ गोन ऑन अ पिकनिक, नो एरर। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे कि द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का उपयोग करेंगे, तो द स्टूडेंट से के अकॉर्डिंग ही
हैज चेंज टू हैव, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड बनानास, तो प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड बनानास इज अवेलेबल इन दिस सीजन, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का उपयोग करेंगे। सो मैंगोज प्लूरल है तो इज चेंज टू आर, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु अप्रिशिएट एवरी आर्ट दे सी, या फिर नो एरर। तो ये जो वन ऑफ दोज है, तो वन ऑफ दोज प्लूरल होता है, तो इसके साथ हम एप्रिसिएट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो एप्रिसिएट्स चेंज एप्रिसिएट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, आई एम नॉट द वन हु एप्रिसिएट, उसी इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम आए हैं, इसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल मीट्स एवरी वीक एट द कैफेटेरिया, या फिर नो एरर। तो हमने पढ़ा था अ लॉट ऑफ पीपल, तो पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे, तो मीट्स चेंज टू मीट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था, जिसमें हमने कवर किए पिछले लेक्चर के रिमेनिंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ साथ ही हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट वर्ड्स करेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।